असल एन द वेरी वॉम वेलकम टू माई चैनल हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन फाइल के ऊपर और फंक्शन फाइल से रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सू कर चुकी हूँ और उसके साथ मैंने आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था सो so, आज उसी एग्जाम्पल्स को इस टॉपिक को लेकर चलते हुए एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फंक्शन फाइल को क्रिएट करेंगे फॉर द टेम्परेचर कन्वर्जन राइट लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर की थी जिसमें हम लोगों ने एक फंक्शन फाइल क्रिएट की थी जिसमें हम लोगों ने एक इनपुट दी थी और उससे हमें इन रिटर्न थ्री आउटपुट जो हैं वो मिली थी ठीक है आज उसी की एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है दैट वी हैव टू राइट द फंक्शन फाइल दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरन हाइट एंड फ्रॉम फॉरन हाइट टू सेल्सियस हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्जन की ये फंक्शन फाइल को क्रिएट करना है जो कि आपके पास सेल्सियस से फॉरन हाइट में और फॉरन हाइट से सेल्सियस में जो है वो टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगी अब एक इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप दो जो है फंक्शन फाइल को क्रिएट करें एक जो है सेल्सियस टू फर्न के लिए और दूसरी जो है फर्न से सेल्सियस के लिए आप उसको जो है वो अलग से क्रिएट करेंगे लेकिन मैं आप लोगों के पास जो दूसरा ऑप्शन है उसके थ्रू फंक्शन फाइल को क्रिएट करूंगी जिसमें हम दोनों फार्मूला को एक साथ यूज करके फंक्शन फाइल को बनाएंगे सो ट्यूटोरियल पे जाने से पहले मैं इनके फार्मूलाज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फॉरन सेल्सियस टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो c इज इक्वल्स टू फाइव डिवाइड बाय नाइन और इन ब्रैकेट f माइनस थर्टी टू है इसी तरह से सेल्सियस टू फॉरन हाइट के लिए आप लोगों के पास फार्मूला है f इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइड बाई फाइव प्लस थर्टी टू ये जो फार्मूलाज मेरे पास गिवन है आपको नेट पे डिफरेंट फार्मूलाज मिलेंगे आपको इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं नहीं तो फाइव डिवाइड बाय नाइन को इन लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म सॉरी पॉइंट्स डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा हुआ होगा सो so, वो दोनों आपके एप्लीकेबल हैं दोनों ठीक हैं जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट फार्मूलाज लाजमी जरूरी हैं सो so, अब हम इसके ट्यूटोरियल की तरफ मूव करते हैं और राइट right, जी आप लोगों के पास इंटरफेस मौजूद है मेटल एप का और मैं सबसे पहले यहां पर न्यू स्क्रिप्ट को क्रिएट करूंगी ठीक है और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पास जो जनरल हमारे पास एंटेक्स था फंक्शन फाइल का वो मैं लिखने जा रही हूं जिसमें हमारे पास वर्ड फंक्शन था और उसके बाद हमारे पास स्केयर ब्रैकेट्स थी स्क्र ब्रैकेट्स में हम लोग अपनी आउटपुट को लिखते हैं उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन है देन हम अपना फंक्शन नेम लिखते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास जो है वो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं और राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग अपनी इनपुट जो है उसको यूज करते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग एंड लिखते हैं बिकॉज हमें फंक्शन को एंड भी करना है इनके दरम्यान में मैं अपने जो टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं वो लिखने जा रही हूं सो so, हमारे पास सबसे पहले था फोर हाई टू सेल्सियस उसका फार्मूला हमारे पास था इन ब्रैकेट फाइव डिवाइडेड बाय नाइन एंड स्टारिक देन वी हैव अगेन ब्रैकेट एफ माइनस थर्टी टू और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला था वो सेल्सियस टू फारेनहाइट था जिसमें हमारे पास सी था देन वी हैव अ ब्रैकेट नाइन डिवाइडेड बाय फाइव और उसके बाद था प्लस थर्टी टू ठीक है अब ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए अब हमें ये तो हमारी इनपुट्स में जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो एफ और सी यूज़ हो रही हैं लेकिन हम आउटपुट में सी और एफ को यूज़ नहीं कर सकते जबकि हम लोग अगर याद रखने के लिए फोन है तो सेल्सियस में हम कन्वर्ट करें पहले टेम्परेचर को तो ऑब्वियसली हम उसको उसी तरह से नाम देंगे लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करूंगी मैं फर्स्ट को असाइन कर देती हूँ ए और सेकेंड को असाइन कर देती हूँ बी सेप्रेशन के लिए ठीक है उसके बाद हमारे पास आउटपुट्स भी आ गई और इनपुट्स भी आ गई यहाँ आउटपुट की जगह पे मैं अपने वेरिएबल्स यूज करूंगी जो कि मैंने ए और बी लिए हैं और इनपुट में अगर हम लोग चेक करें तो हम एक इनपुट चाहिए एफ और दूसरे इनपुट चाहिए सी ठीक है सो so मैं यहाँ पर इनपुट की जगह पे यूज करूंगी एफ कॉमा सी ठीक अब हमारे पास फंक्शन नेम है तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन यूज करने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग टेम्परेचर की कन्वर्जन के लिए फंक्शन फाइल को क्रिएट करें सो उसको याद रखने के लिए अंडर स्को यूज करूंगी और साथ में कन्वर्जन ठीक है सो ये हमारे पास एक फंक्शन फाइल को क्रिएट फंक्शन फाइल क्रिएट हो चुकी है अब हमने इसको सेव करना है आप रन करके डायरेक्ट सेव कर सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो आपकी अपनी चॉइस है सो so, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगी और डेस्कटॉप पे हम इसको इसी नेम के साथ जो है वो विद एक्सटेंशन डॉट एम सेव करेंगे और राइट right, ये सेव हो चुकी है अब मैं इसको रन करूंगी ओके okay, हमने इसको रन किया और इसने हमें एरर दे दिया क्योंकि अभी तक हमने इसको अपनी इनपुट नहीं दी मैं इसको कॉल करने जा रही हूँ कमांड विंडो के अंदर और आप इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं जहां पे भी आपको इसकी जरूरत है सो so, मैं फॉर द टाइमिंग यहाँ पे कर रही हूँ सो so, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि कोई एरर ना आए कंट्रोल सी और यहाँ पर हम इसको करेंगे कंट्रोल वी अब एफ और सी के अंदर हमें अपनी इनपुट्स देनी है तो हम मैं यहाँ पर सिक्स और फाइव यूज कर रही हूं आपको जिस भी वैल्यूज के लिए करनी है आप कर सकते हैं उसके बाद मैं एंटर करूंगी तो आप देख देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है सो so, ये आज मेरी लास्ट एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है रिगार्डिंग फंक्शन फाइल अगर आपकी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फंक्शन फाइल अगर आपसे कोई क्रिएट नहीं हो रही है कोई एरर दे रहा है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा मेरा जो है वो ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं सो so मैं पॉसिबल हुआ जितनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टेक केयर ऑफ यूर सेल्स एनला हाफिज़